और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा ट्रेन हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपर्ट पोस्ट। जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना दुखद है, सीएम योगी ने लिखा। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्सपर्ट ये पोस्ट। गोंडा में ये बड़ा हादसा हुआ है, रेलवे हादसा, तकरीबन 2:30 बजे हुआ। रेल हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। ट्रैक के पास पानी जमा होने की वजह से दरअसल वहां की मिट्टी धंसी और संभवतः ये हादसा उसी वजह से हुआ है। ये जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें बात निकलकर सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है और कई लोग घायल हैं। लगातार यहाँ पर मौके पर टीम पहुंच चुकी है, मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं और यहाँ लोगों को ट्रेन के अंदर से बाहर निकालने का काम इस समय किया जा रहा है। तकरीबन 10 से 12 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतर गए, जिसमें 2 जो डिब्बे हैं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। गोंडा रेल हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि ट्रैक के पास पानी जमा होने की वजह से दरअसल ट्रैक धंसा, ये बड़ी जानकारी। ट्रेन हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं और शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात निकल करके आई कि भारी बारिश की वजह से वहां पर मिट्टी धंसी और उसकी वजह से ही ये बड़ा हादसा हो गया है। तकरीबन 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोगों की मौत की खबर इस समय मिल रही है। कई लोग इस समय घायल हैं और उनके रेस्क्यू का काम यहां चल रहा है। और चलिए अब जरा आपको रेस्क्यू की तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर बेहद अहम है क्योंकि जब ये हादसा हुआ और जैसे ही ये जानकारी प्रशासन तक पहुंची उसी वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। मेडिकल की कई टीमें तैनात है। अब देखिए शत विशत स्थिति में इस समय ट्रेन की वो बोगी है, यानी 2 बोगियां जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और इसके साथ ही इस समय यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तेजी लाई जा रही है इस काम में। मेडिकल की कई टीमें इस समय तैनात यहाँ पर कर दी गई है और पूरा रूट मैप क्या था ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए। अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं ताकि अगर आपके परिजन इस ट्रेन में हो तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मौके पर अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद है, अधिकारी तमाम मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी इस समय ले रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, ट्रेन से बाहर आए सामान को आप इस समय देख रहे हैं, रेस्क्यू हो रहा है। यहाँ पर जो 2 बोगियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। कुल 4 लोगों की मौत की खबर अब तक मिली है और ये आंकड़े हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन इस समय रेस्क्यू और लोगों को बचाने का काम त्वरित रूप से यहां घटनास्थल पर किया जा रहा है। बोगिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त आपको नजर आ रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट पर जो बात सामने आई है वो ये है कि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर मिट्टी धंसी हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक में डिस्टर्बेंस आई होगी, संभावनाएं इसकी है। और उसके बाद ये जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई। लोगों को बचाने का प्रयास भरपूर इस समय सरकार की तरफ से हो रहा है। कई टीमें रेस्क्यू के लिए यहाँ पर तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गोंडा रेल हादसे पर सूत्रों के हवाले से इसी बीच बड़ी खबर भी है। ट्रैक के पास पानी जमा होने से दरअसल यहां पर जो ट्रैक था वो धंसा। ट्रैक के धंसने से बेपटरी हो गई ट्रेन, यानी डीरेल हुई। डिब्रूगढ़ ट्रेन की रफ्तार धीमी थी लेकिन ट्रैक के धंसने से ये पूरा हादसा हुआ है, ये शुरुआती रिपोर्ट में बात सामने आई है। हालांकि अभी भी इंटरनली इसको लेकर के इंट्रोस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये 4 तस्वीरें जो आज दोपहर के बाद की कहानी को बयां कर रहा है। लगातार यहां पर लोगों के रेस्क्यू का काम चल रहा है, कई टीमें इस समय तैनात की गई है। इसके साथ ही बड़े अधिकारी भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम तेजी से इस समय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन डीरेल हुई, 10 से 12 तकरीबन डिब्बे पटरी से उतरे और 4 लोगों की मौत की खबर इस समय मिल रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी रेस्क्यू वहां पर तेजी से किया जा रहा है, इसमें तेजी लाई जा रही है, लेकिन शाम ढलने से पहले कोशिश यही रहने वाली है कि लोगों का रेस्क्यू यहां पर आराम से किया जा सके। 2 डिब्बे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और कम से कम 10 से 12 डिब्बे डीरेल हुए हैं, पटरी से उतर गए हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ये जानकारी और तस्वीरें आपके सामने जो है इस समय रेस्क्यू में तेजी लाई जा रही है, रेस्क्यू चल रहा है, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं।
यहाँ पर रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया है। तस्वीर आपके सामने, गोंडा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ इसको लेकर के शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो ये है कि दरअसल वहां जो मिट्टी थी यानी ट्रक के नीचे वो धस गई थी। भारी बारिश हो रही है आप जानते हैं इस समय, और भारी बारिश की वजह से संभवतः वहां पर मिट्टी जो थी वो धसी और उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक पर असर पड़ा होगा। एक प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बाद ही ये ट्रेन डीरेल हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, कई लोग इस समय घायल हैं, उन्हें लगातार अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल की कई टीमें मौके पर मौजूद, रेस्क्यू अभियान में तेजी लाया जा रहा है, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ को जैसी इसकी खबर लगी और फौरन ही मेडिकल की टीम के साथ साथ रेस्क्यू वाली टीम वहां पर पहुंची। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट भी किया गया है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में यह बड़ा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास ये हादसा हुआ, डीरेल हो गई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी जिस समय गोंडा के पास ये पूरा हादसा हुआ। ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस समय रेस्क्यू अभियान में तेजी लाया जा रहा है क्योंकि अभी तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है और शाम ढलने से पहले कोशिश यही रहने वाली है कि यहां पर लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। जिलाधिकारी इस समय पहुंच चुके हैं, गाड़ी आप देख रहे हैं, डीएम की गाड़ी इस समय मौके पर मौजूद है। तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस समय वहां ऑन स्पॉट हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार उनसे जानकारी इस बात को लेकर ले रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर हालांकि मिल रही है और कई लोग इस समय घायल। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वंडर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, रेल हादसे पर अश्विनी वैष्णव की नजर उन्होंने बनाकर रखा है। रेलवे अधिकारियों से जानकारी लगातार अश्विनी वैष्णव ले रहे हैं। हो सकता है वो स्पॉट पे पहुंचे भी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि ट्रेन हादसे पर अश्विनी वैष्णव की लगातार नजर बनी हुई है। अधिकारियों से फोन पर उनकी बातचीत हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर उनकी बातचीत हुई है और कोशिश यही है कि समय से पहले यहां पर जो लोग यात्री थे ट्रेन के अंदर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 10 से 12 बोगियां जो कि डीरेल हो गई है, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहां बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि दोपहर से शाम का वक्त हो चुका है और अंधेरा होने से पहले पहले कोशिश रेस्क्यू टीम की रहने वाली है कि यहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मीनवाइल जो टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो है, जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, वो भी भारत 24 आपको दिखा रहा है। अगर आपके कोई परिजन इस ट्रेन में थे तो उनकी जानकारी आपको इस हेल्पलाइन से आराम से मिल सकती है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, 10 से 12 बोगियां डीरेल हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफर कर रहे थे तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग चला रहे हैं, तो क्या उनके लिए जो बिल्कुल बिल्कुल जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है, उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। सर, गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुई है उसको लेके क्या अभी आप क्या बता रहे हैं? अभी की जो अपडेट हम लोगों को मिली है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हमारे मेडिकल वैन पहुंच गई, हमारे डॉक्टर्स मेडिकल इक्विपमेंट सभी साइट पे पहुंच गए हैं। जो अभी साइट की रिपोर्ट है उसके अनुसार एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है और 6 लोग माइनर इंजरीज हैं, एक थोड़ा सा ग्रेवियस इंजरी मिली है और लगातार हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और जो यात्री इसमें फंसे हुए हैं उनको ले जाने के लिए एक रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, बसेस की व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, गोंडा ट्रेन हादसे पर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर रवाना कर दी गई है। लखनऊ और बलरामपुर से टीमें रवाना की गई। गोंडा में रेस्क्यू के लिए 15 एम्बुलेंस भी लगा दी गई है, मेडिकल टीमें यहाँ पर तैनात। और इसी बीच अपडेट यही कि एनडीआरएफ की भी टीम घटना स्थल के लिए रवाना, लखनऊ और बलरामपुर से एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है ताकि
यहां के रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा सके। लखनऊ और बलरामपुर से टीमें रवाना कर दी गई हैं, ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। गोंडा में रेस्क्यू के लिए भरपूर कोशिश योगी सरकार की और एनडीआरएफ की कई टीमें इस समय लखनऊ से और बलरामपुर से रवाना कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगी और यहां पर लोगों का रेस्क्यू आराम से किया जा सकेगा। इसी बीच यहां पर 10 से 15 एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। मेडिकल टीम लगातार लोगों की जांच पड़ताल कर रही है, लोगों को देख रही है। अगर जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इस समय अस्पताल भी रेफर किया जा रहा है। 4 लोगों की मौत की जानकारी भी इस समय मिल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना। गोंडा में रेस्क्यू के लिए टीमें तैनात इस समय कर दी गई है। ट्रेन हादसे पर ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। दरअसल तकरीबन 2:30 बजे दोपहर को गोंडा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई। शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मिट्टी के धंसने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। भारी बारिश इस समय हो रही है। दिल्ली NCR के साथ साथ जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झमाझम वहाँ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से संभवतः ये घटना हुई हो। हालांकि ये शुरुआती रिपोर्ट है, अभी इस पूरे मामले में छानबीन और गहनता से की जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा काम इस समय सरकार के लिए ये और सबसे बड़ी चुनौती ये कि यहाँ पर लोगों का सफल रेस्क्यू आराम से किया जा सके। इसी बीच भारत 24 आपको वो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिखा रहा है जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है अलग अलग जगहों के लिए। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर रवाना हो चुकी है। लखनऊ और बलरामपुर से टीमों को तैनात जो रवाना है वो कर दिया गया है। इसी बीच वहां पर DM भी पहुंच चुके हैं गोंडा के और वो भी यहां पर पहुंच करके, घटनास्थल पर पहुंचकर यहां लोगों के रेस्क्यू को लेकर के जो है जानकारी भी ले रहे हैं। साथ साथ CM योगी आदित्यनाथ की नज़र लगातार बनी हुई है। रेल मिनिस्टर भी लगातार इस हादसे पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ से उनकी फ़ोन पर बातचीत भी हुई है और संभवतः घटनास्थल पर अगर जाने की जरूरत हुई तो रेल मिनिस्टर वहां भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी बीच रेस्क्यू के काम में तेज़ी, अपडेट यही है। इस समय रेस्क्यू लगातार तेज़ी के साथ यहां पर किया जा रहा है। कोशिश यही कि शाम होने से पहले पहले रेस्क्यू अच्छी तरीके से कर दिया जाए, पूरी तरीके से हो जाए। लखनऊ और बलरामपुर से NDRF की टीमें रवाना कर दी गई है घटनास्थल के लिए और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी इस समय रेस्क्यू में अपना सहयोग दे रहे हैं। 10 से 12 डिब्बे दरअसल पटरी से उतर गए थे और 2 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। 4 लोगों की मौत की जानकारी और खबर अब तक हम तक पहुँच रही है। बाकी लोगों का रेस्क्यू उस समय किया जा रहा है। कई लोग इस पूरे हादसे में घायल भी हुए हैं और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा वहां से वहां पे उपलब्ध कराई गई है। मेडिकल की कई टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। 10 से 15 तकरीबन एम्बुलेंसेज वहां पर तैनात किए गए हैं और जिन्हें ज़रूरत पड़ रही है उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए 15 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 2:30 बजे ये पूरी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा तकरीबन 2:30 बजे हुआ। पटरी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन उतर गई। 2 बोगी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, 10 से 12 बोगियां डिरेल हुई है, ये जानकारी इस समय मिल रही है। ट्रैक धंसने से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। डिब्रूगढ़ ट्रेन की रफ्तार हालांकि धीमी ही थी लेकिन चूंकि वहां पर मिट्टी धंस गई और उस वजह से ट्रैक में एक प्रेशर क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से संभवतः यह हादसा हुआ। अनुराग मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अनुराग, इस समय वहां पर क्या स्थिति है? चलिए अनुराग से दोबारा कनेक्ट करते हैं और उनसे रिपोर्ट जो है वो भी लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए। सबसे बड़ा अपडेट यही कि इस समय रेस्क्यू के काम में तेजी लाया जा रहा है। NDRF की कई टीमें लखनऊ और बलरामपुर से रवाना कर दी गई है। गोंडा में रेस्क्यू के लिए 15 एम्बुलेंस भी तैनात कर दिए गए हैं। खुद DM मौके पर मौजूद है, CM योगी आदित्यनाथ की नज़र है। रेलवे मिनिस्टर ने फोन पर बातचीत भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा में, ये बड़ा हादसा हो गया 2:30 बजे। शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक मिट्टी धंसने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं।
एक बार जरा यहाँ आपको वॉल पे दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। देखिए लोकल लाइट्स को आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचकर मदद कर रहे हैं, वहाँ से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और जब ये बोगिया डीरेल हुई उस समय उस वक्त जो ये बड़ा हादसा था, वो संभावना इसकी ये है कि मिट्टी धंसने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मौजूदगी, हालांकि ये बड़ा खेत खलिहान के बीच में है और रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए इसलिए भी समय है क्योंकि तकरीबन शाम का जो समय है, जो पहर है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए, कोशिश यही है। NDRF की जो टीमें हैं वो लखनऊ से और बलरामपुर से रवाना कर दी गई हैं। यही वो ट्रेन है जिसमें बड़ा हादसा हुआ है, रेस्क्यू का काम तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी और कई बोगियाँ इस समय क्षतिग्रस्त यहाँ पर बताई जा रही हैं। दो तस्वीरें, यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल जाहिर रहा और यात्रियों के सफल रेस्क्यू के लिए कोशिशें सरकार द्वारा इस समय तेजी के साथ की जा रही है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, दो बोगियां क्षतिग्रस्त और इसके साथ साथ 10 से 12 डिब्बे उसी समय पटरी से उतरे। जमीन धंसने की वजह से संभवतः ये पूरा हादसा हुआ है, ये जानकारी इस समय मिल रही है, लेकिन रेस्क्यू के काम में इस समय तेजी लाया जा रहा है। NDRF की कई टीमें इस समय रवाना कर दी गई है लखनऊ और बलरामपुर से। CM योगी आदित्यनाथ की नज़र लगातार बनी हुई है और यहाँ पर यात्रियों में जाहिर है अभी भी अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन यह हादसा था और अब से थोड़ी देर पहले यह हादसा हुआ और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी बीच ट्रेन हादसे पर असम के CM की नज़र भी है। रेलवे के संपर्क में असम सरकार, डिब्रूगढ़ में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ है, आपको एक बार बता देते हैं ये हादसा हुआ कैसे। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ, ये बड़ी जानकारी और कहा यह जा रहा है कि मिट्टी धंसने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। जनपद गोंडा में ट्रेन हादसा, रिपोर्टर है नहीं, हादसा हुआ है और ग्राफिक्स के जरिए भी जरा आपको बता देते हैं। ये ट्रेन हादसा गोंडा जनपद में हुआ और ये ट्रेन जब गोंडा के आसपास पहुंची उसी समय दोपहर 2:30 बज रहे थे जिस समय ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है, लेकिन कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, ये भी जानकारी इस समय मिल रही है। NDRF की कई टीमें यहाँ पर लगाई जा रही हैं, लखनऊ से उनकी रवानगी हो चुकी है। इसके साथ ही जो मेडिकल असिस्टेंस है वो भी यहाँ पर सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और मेडिकल असिस्टेंस वहाँ पर पहुँच चुका है। जिन लोगों की मौत हो गई है उनकी शिनाख्त इस समय की जा रही है, इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों तक पहुँचाई जा रही है। मौके पर DM की मौजूदगी है और इसके साथ ही मेडिकल की कई टीमें यहां पर इस समय तैनात की गई है। 10 से 12 कुल बोगियां जो डीरेल हुई है, दो बोगी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त इस समय बताई जा रही है। गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ, मिट्टी धंसने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। एक और बड़ी खबर, गोंडा ट्रेन हादसे की लखनऊ से ही मॉनिटरिंग की जा रही है। ACS गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कर रहे हैं मॉनिटरिंग, राहत आयुक्त को भी कोऑर्डिनेशन में इस समय लगा दिया गया है, यानी योगी सरकार की तरफ से सारी टीमें तैनात कर दी गई है, घायलों को बेहतर चिकित्सा मिल सके ये कोशिश। ये बड़ी जानकारी, गोंडा ट्रेन हादसे की लखनऊ में ही मॉनिटरिंग इस समय की जा रही है, साथ ही लखनऊ से NDRF की टीम को रवाना भी कर दिया गया है, राहत आयुक्त को भी कोऑर्डिनेशन में इस समय लगा दिया गया है, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इस रूट पर 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 11 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं क्योंकि यहां जो पटरी है वो भी उखड़ गई है, तो जाहिर है ये सबसे ज्यादा आवाजाही वाला रूट है, लेकिन इस समय आवाजाही को यहां पर रोक दिया गया है। तेजी के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, घायलों को बेहतर चिकित्सा दी जाए कोशिश योगी सरकार की तरफ से। इसी बीच असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी किया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग कनेक्टेड है हमारे साथ। अनुराग, वहां पर क्या स्थिति है इस समय? जी, हम दर्शकों को बता दें जिस तरीके से ये डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, 1704 ट्रेन जो गोंडा से चलकर
ये डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी, ये झिलाई स्टेशन से के पास में डिरेल हुई है और ट्रेन के करीब 5 डिब्बे पलटे हैं और मौके पर ट्रेन में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, 4 लोगों की मौत की सूचना है। मौके पर रेस्क्यू की टीम, रेलवे की टीम और हेल्थ की टीम, सब रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों का राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जी अच्छा, जरा अनुराग ये बताइए कि कुल कितने यात्री इस ट्रेन में मौजूद थे? अब इस ट्रेन में लगभग अगर हम बात करें तो कम से कम 500 से ज्यादा की संख्या रही होगी यात्री की, क्योंकि ये चंडीगढ़ से ट्रेन चलती है और डिब्रूगढ़ तक जाती है, लंबी रूट की ट्रेन है और इस ट्रेन में जो गोंडा से ये 2 बजे के आसपास से निकली है और 2:35 के आसपास का ये हादसा हुआ और क्योंकि ये जहां पर ये हादसा हुआ उससे पहले अंडरपास बना हुआ वहां पर पता चला कि रेलवे की ट्रैक पटरी जो धसी हुई थी जिस कारण से ये डिरेलमेंट, तो रेलवे के जांच के बाद ही सही पता चल पाएगा कि घटना का कारण क्या है, लेकिन मौके पर रेस्क्यू की टीम, रेलवे की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अभी NDRF बलरामपुर नू से टीमें घटनास्थल के लिए रवाना करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कितना जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करें जिससे जो घायल हैं को इलाज मिल सके और जो जो यात्री फंसे हुए तो उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। अच्छा अनुराग, यहाँ पे रेस्क्यू में कितना वक्त लग सकता है, अभी कोई आइडिया? रेस्क्यू में कम से कम अभी यहाँ पर चूंकि अभी ट्रैक को नहीं खाली कराया जा सका है और ये सब रूट से आसाम से लेकर दिल्ली और गुवाहाटी जोड़ने वाली रूट है, रूट पे कम से कम इस शाम के टाइम में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं और अभी जो है जो देखा जाए जो ये ट्रेन डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेलमेंट हुई है और ये पटरी पे पड़ी हुई चारों तरफ से और 5 डिब्बे आगे के 5 डिब्बे AC सहित सारे डिब्बे हैं और जो पीछे के डिब्बे हैं स्लीपर और वो जनरल वो रेलवे ट्रैक पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये और चलिए ठीक है अनुराग, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।